हेलो गाइस, दिस इज अ शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएलएड थर्ड ईयर का, जो कितने टाइम मतलब कितने सब्जेक्ट हैं, या आपका कितने नंबर का प्रैक्टिकल होगा, या कितने नंबर का आपका थियरी बेस्ड एग्ज़ाम होगा। तो गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं, ये 300 नंबर का आपका थियरी बेस्ड एग्ज़ाम होगा और 300 ही नंबर का आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल भी आपके 300 नंबर के होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आज हम देख लेते हैं कि कितने पेपर हैं। तो 3 पेपर हैं, इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं। और जो है 3 पेपर में, पहला पेपर है स्कूल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, यानी विद्यालय नियोजन और प्रबंधन। विद्यालय नियोजन और प्रबंधन, ये पहले पेपर का नाम है। और दूसरे पेपर का नाम है पेडागॉजी ऑफ कोर डिसिप्लिन लैंग्वेज एंड सोशल साइंस। तो लैंग्वेज एंड सोशल साइंस आपके बीएलएड फर्स्ट ईयर में भी ये टॉपिक था। तो जैसे कि उसमें एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो था, वही रहेगा कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज या सोशल साइंस, ये एक रहेगा। और फिर इसके अंतर्गत और भी टॉपिक आएंगे, जैसे कि क्वालिटीज ऑफ अ गुड लैंग्वेज टीचर या क्वालिटीज ऑफ गुड सोशल साइंस टीचर। तो इस तरीके से इसमें हमें पढ़ना, हमारे सिलेबस में है और यही हमें पढ़ना है। फिर नेक्स्ट और लास्ट पेपर है पेडागॉजी ऑफ को डिसिप्लिन मैथमेटिक्स नेचुरल एंड इन्वायरमेंटल साइंस, जिसमें से आपका इन्वायरमेंटल साइंस यानी ईवीएस का तो कुछ भी नहीं है, और मैथ्स का न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन ये है कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाएगा या क्वालिटीज ऑफ अ गुड मैथमेटिक्स टीचर, ये सब आपके सिलेबस में है। और डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड, जैसे कि डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, और फिर उसके बाद लेक्चर मेथड, ये सब है। ये आपका जो साइंस का यानी कि नेचुरल जो लिखा गया है, नेचुरल साइंस, तो इसका मतलब है साइंस से रिलेट करके, यानी साइंस का जो मेथड है, साइंस को पढ़ाते टाइम बच्चों को कौन सी मेथड में, किस मेथड में ज़्यादा इफेक्टिव होगी टीचिंग, उस मेथड का यूज़ किया जाना चाहिए कि, तो उन सभी मेथड के बारे में है, ताकि एक शिक्षक को, एक पेडागॉग को ये पता रहे कि बच्चों को अगर पढ़ाना है तो किस जगह पर कौन सी मेथड को यूज़ करना है, अप्लाई करना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सिलेबस बनाया गया है बीएलएड थर्ड ईयर के लिए, जिसमें से पहला, सेकेंड और तीन मतलब तीसरा, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पेपर का नाम क्या है। यानी पहला है स्कूल प्लानिंग मैनेजमेंट, और सेकंड है लैंग्वेज एंड सोशल साइंस का, और थर्ड है मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस इसमें है। और फिर हम यहाँ देख लेते हैं इंटरनल नंबर, हम जो कि जैसे पहले होता था 20 नंबर का इंटरनल रहता था, वैसे 3 पेपर है तो 3-3 इस तरीके से हो जाएगा। तो उसका इंटरनल 60, यानी इंटरनल आपका 60 नंबर का होगा, और एक्सटर्नल 80-80, यानी आपका जो थ्योरी बेस्ड एग्ज़ाम होगा उसमें आपको तीनों पेपर में 80-80 का होगा, जो कि 240 का होगा। इस तरीके से 300 नंबर का आपका जो एग्ज़ाम होगा थियरी बेस्ड, वो थियरी बेस्ड होगा, 300 नंबर का हो गया, और 300 ही नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो गाइज, मुझे आशा है, उम्मीद है आप लोगों को ये जो बीएलएड थर्ड ईयर में कितने सब्जेक्ट हैं और कितने नंबर के एग्ज़ाम में कुछ मतलब हम लोगों का एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा या कितने नंबर का प्रैक्टिकल होगा, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।